हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब चलिए देखिए मैं आज आपके लिए क्या बनाने जा रही हूँ ये एक बाउल मूंगफली का ले लिया एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल लेंगे उसके अंदर इनको सिम गैस पर सेक लेंगे अब ये देखिए हमारी मूंगफली सिक करके तैयार है ये थोड़ा चटकने लग जाएंगी और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा ये देखिए अब हमारी मूँगफली दाना तैयार है सिक कर के अब इसको कढ़ाई से किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे उसी कढ़ाई में थोड़ा और ऑयल डाल करके दो हरी मिर्च अच्छे से दो चार हरी मिर्च जितना आपको अच्छा लगे उनको अच्छे से सेक लेंगे सॉरी दोस्तों इसमें मैं जीरा डालना भूल गई पहले अभी जीरा डालती हूँ थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब और इनकी नमी हरी मिर्च के अच्छे से उतार लेंगे नहीं तो ये जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेगी अब ये देखिए मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया उसको भी सेक लेंगे और ये आधा चम्मच हल्दी का इसको भी थोड़ा भून लेंगे ये भी सीख जाएगी इसमें अच्छे से अब इसको सेकने के बाद ये देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो रेसिपी आपके सामने आ गई है ये हमने एक बाउल खील का अच्छे से साफ करके इसमें डाल दिया अब इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और ये नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इन सभी चीज़ों की कोटिंग अच्छे से खील पर हो जाए अब इसको सिम गैस पर ही थोड़ा सेक लेंगे उसके बाद हम इसमें जो मूँगफली दाना हमने तैयार किया था वो भी डाल देंगे और इसको भी थोड़ा मिक्स कर देंगे इसके अंदर ये अब हमारा तैयार हो गई है अब हम एक बाउल कॉर्नफ्लेक्स का लेंगे ये कॉर्नफ्लैक्स का पैकेट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लैक्स कच्चे भी आते हैं उनको फ्राई करके डालना पड़ता है अगर आपके पास ये है तो आप ये डाल सकते हैं इनको बगैर फ्राई के ऐसे ही डाल देना ये एक बाउल खट्टी मिट्टी नमकीन का है ये भी डाल देंगे इससे भी बड़ा स्वाद आता है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच मीठे का डालना कोई पिसी सुगर डाल देना ये अब हमारी नमकीन तैयार है आइए खाइए देखे मैं अब मैं सोचा कि थोड़ा चाय बना लेती हूँ और चाय के साथ बैठ के इसको इंजॉय करती हूँ ये देखिए ये हमारी खेल भी अच्छे से क्रंची हो गई है ये हमारी हो गई खेल की नमकीन तैयार खाइए इंजॉय करिए ये देखिए मैं चाय बनाती हूँ अभी चलिए चाय के साथ खाएँगे ये मैंने थोड़ा पानी रखा उसमें अदरक डाल दिया दो तीन इलायची डाल दी अब इसमें मैं चीनी डाल दूँगी ये चाय की पत्ती गई अब हमारी चाय है तैयार इसमें मैंने फिर पकने के बाद दूध डाल दिया था ये अब हमारी चाय तैयार है आइए चाय के साथ नमकीन एंजॉय करते हैं आइए दोस्तों बना कर देखना मुझे बताना आपको कैसी लगी बहुत ही अच्छी लगती है अगर आपके पास कौन डाल ले नहीं तो कोई बात नहीं